इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब के मोहाली से, जहां मशहूर पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोहाली से बता रहे हैं, जहां मशहूर पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। परमीश को घायल अवस्था में फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें, पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा ने गाल नी कड़नी गाने से सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें, एसएएस नगर के कुलदीप चाहल के मुताबिक परमीश को मोहाली के सेक्टर 91 में देर रात अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगर परमीश वर्मा को गोली मारी, फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती है परमीश वर्मा। फेमस पंजाबी सिंगर है परमीश वर्मा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें घुटने में गोली लगी है, एक और युवक को भी गोली लगी है। देर रात एलांटे मॉल से वापस जब अपने घर पहुंचे परमीश, तब ये वारदात हुई। आपको बता दें, 1 बजे के आसपास ये घटना घटी। तमाम सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिलहाल फोर्टिस ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोहाली से बता रहे हैं, जहां मशहूर पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। परमीश को घायल अवस्था में फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें, पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा ने गाल नी कड़नी गाने से सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें, एसएएस नगर के कुलदीप चाहल के मुताबिक परमीश को मोहाली के सेक्टर 91 में देर रात अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगर परमीश वर्मा को गोली मारी, फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं परमीश वर्मा। फेमस पंजाबी सिंगर है।